दोस्तों, अगर आप भी कुछ इसी तरीके से फेक ट्वीट वाली रील्स वीडियो क्रिएट करना चाहते हो जो कि काफी वायरल हो रही है, आजकल ट्रेंडिंग में भी इसी तरीके की रील्स वीडियो है इंस्टाग्राम पर, तो इसे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहो। देखो, इस तरीके की फेक वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको फेक ट्वीट नाम का एक एप्लीकेशन होता है जो कि प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब इसे आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्रिएट पोस्ट का, और दूसरा ऑप्शन होता है पोस्ट हिस्ट्री का। तो आपने यहाँ पर क्रिएट पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको फोटो वाले पिक्चर पर क्लिक करके आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर रखना हो वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने ये वाला सेलेक्ट किया। इसके बाद यहां पर ऑप्शन मिलता है नेम का, तो नेम वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर आपको अपना प्रोफाइल नेम जो होगा वो आपको यहां पर रख लेना है, जैसे कि मेरा नाम है ट्रिकी अजीम। इसी तरीके से आपको यहां पर यूज़र नेम वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके आपको आपका जो भी इंस्टाग्राम का यूज़र नेम होगा या फिर ट्विटर का जो यूज़र नेम होगा वो आपको यहां पर रख लेना है, जिस तरीके से मैं यहां पर रख रहा हूं। मेरा भी ट्रिकी अजीम ही है ट्विटर पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो यहाँ पर हमारा तीन काम हो गया, प्रोफाइल पिक्चर हमने सेलेक्ट कर लिया, यूज़र नेम ले लिया और नेम ले लिया। इसके बाद बात आती है पोस्ट की, तो यहाँ पर क्लिक करोगे और इन सारी चीज़ों को जो भी यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है उसे यहाँ से आपने हटा देना है, और उसके बाद आपको अपना टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा का फ्लावर नहीं फायर है, मैंने बस यही लिखा है। इस तरीके से आप भी चाहो तो लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना हो लिख देना। आप चाहो तो हैशटैग भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये सब कुछ लिखने के बाद आपको डन करना है और कुछ इस तरीके से आपका ट्वीट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट लोगे और उसके बाद इसे आपने क्रॉप करना है। क्रॉप कहाँ तक करोगे, क्रॉप आप करोगे कुछ इस तरीके से, आप जहाँ पे रीट्वीट वगैरह जो आ रहा है या फिर टाइमिंग वगैरह आ रहा है उससे पहले तक का आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो रीट्वीट और लाइक ये ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं उसे सेलेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ इतना सा पार्ट ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जाना है आपको अपने वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इनशॉट का, आप चाहो तो कोई और एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट सेम है, तरीका सेम है, आपको सेम तरीके से यूज़ करना है। उसके बाद आप कोई भी पिक्चर जिसे आप वीडियो में यूज़ करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद वीडियो का जो फॉर्मेट होगा 9:16 होगा, ये आपको पता होगा ही। और उसके बाद अगर आप इनशॉट यूज़ कर रहे होगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा PIP, और उस पर क्लिक करके आपको अपना जो स्क्रीनशॉट लिया है ना, जो आपने ट्वीट वाला, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको सही तरीके से इसे एडजस्ट कर लेना है। और एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा इसे करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा का, और इस पर आपको क्लिक करना है और इसे पूरा हटा देना है। जैसे आप इसे थोड़ा सा करोगे तो आपका जो वाइट पार्ट होगा वो हट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इसे थोड़ा सा मतलब इस तरीके से रखना है कि आपका जो चीज़ें आपने लिखी है ना वो नज़र आनी चाहिए, वो हल्का सा नज़र आएगा लेकिन वो नज़र आना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसे आपको बड़ा भी कर लेना है, ताकि जो आप लिख रहे हो लिखा है जो भी आपने वो बड़ा बड़ा नज़र भी आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रोसेस सेम है दोस्तों, इसी तरीके से आपको भी करना है। आप जिस भी वीडियो एडिटर से आप करना चाहो कर सकते हो, सारे वीडियो एडिटर में सेम प्रोसेस ही होता है। इसके बाद आप चाहो तो इसका फिल्टर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसा फिल्टर चाहो वैसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर जूम इन या फिर JPG, यहाँ पर आपको ग्लिच वाले ऑप्शन पे आके JPG वाला में ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, और उसके बाद आप जब इस वीडियो को प्ले करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से यार आप इस तरीके की फेक ट्वीट वाले वीडियो क्रिएट कर सकते हो इंस्टाग्राम रील्स वीडियो के लिए, और इसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कुछ इस तरीके का ही फॉर्मेट आपको रखना है, 4K में भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप इसे सेव करो, सेव करने के बाद आप इसे रील्स पर या फिर फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हो, जो कि बेहद ईजी है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।